अभी बैंक लोन फरार करोड़पति नीरव मोदी का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि तब तक आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के में छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें आयकर टीम ने अपनी जांच में 3 घी स्टोर कीपर के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की है। टीम द्वारा फिरोजाबाद के 3 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी ने स्टेट बैंक से कई करोड़ रुपये का कर्ज ले रखा था और फिलहाल टीम ने अपनी जांच में जुटी हुई है। मामला फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद की नामचीन कॉलोनी का है, जहाँ आज आयकर टीम ने अपनी जाँच में 3 जगहों और घी कीपर वालों के छापेमारी की कार्रवाई की, जहां प्रसिद्ध रतन घी वालों के घर पर स्टेट बैंक द्वारा पहले से ही लोन का नोटिस चिपका हुआ था और यहां तक कि उक्त आरोपी द्वारा अपने घर को सेल करने का भी बोर्ड लगा दिया गया था। फिलहाल आज आयकर टीम ने छापेमारी की कार्रवाई में कुछ जरूरी कागजात बरामद किए हैं और अभी जांच की जा रही है, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि घी वालों के घर बैंक द्वारा भारी मात्रा में लोन धन राशि न देने का बोर्ड ने पहले से ही नोटिस चिपका रखा है, फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब मैं चुपचाप बात कर रहा था, अगर मैं क्लिक करता तब ये बात कहते अच्छी लगती मुझे। तो आप अंदर तक यहाँ पे इतने पुलिस वाले हैं, आपने उन्हें बिना पूछे अंदर चले गए। किन से कही थी तुमने, कोई नहीं आएगा, किसी से कही थी तुमने? नहीं मुझे बता किसी ने, किसी से तुमने कही थी? सर्वे चल रहा है जी, कार्रवाई चल रही है, उसके बाद कितनी कंपनियों के यहाँ छापा मारा गया अभी तक? अभी हम लोग अभी 3-4 लोग चल रहा है। किस तरह की कमियाँ निकल रही सर? बस अभी शुरुआत करी है हमने, अभी तो मालूम पड़ेगा, कम से कम टाइम तो हमें दो बताने के लिए। उत्तर प्रदेश से संजीव वर्मा की रिपोर्ट।